दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल संडे की लाइव क्विज नहीं हो पाई थी आप लोगों की, थोड़ा आपको पता है हमारे राज्य में डिजास्टर जो कि प्राकृतिक आपदा आ चुकी थी उसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो वो क्लास कल नहीं हो पाई। जो टॉपिक मैंने आपको क्विज के लिए दिए थे संडे के, वो नेक्स्ट संडे आपका कंटिन्यू रखना है, ठीक है। वो आपका रहेगा ही रहेगा। इस हफ्ते हमारा पूरा जिला सीरीज चलेगा और यहाँ से जिला सीरीज जैसे आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली वगैरह ये हैं, इसके बाद बहुत छोटे छोटे जिले हैं, ठीक है। वो हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, ये सब के सब दो वीडियो से ऊपर नहीं जाएंगी, तो उनका टेंशन मत लेना। कोशिश करूंगा मार्च फर्स्ट में या मार्च पांच से पहले आपके उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं जैसे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन और थोड़ा सा प्रमुख आंदोलन जो यहाँ पे हुए थे वो मैं आपको करा दूंगा। तो जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खासा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बशर्ते आप लोगों ने जिला सीरीज कंप्लीट की होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास की वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो आप लोग नोट कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, परीक्षावाणी का जो टॉपिक है होमवर्क आज को दो दिनों का रहेगा, यानी वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। आज और कल इन दो दिनों में आप लोग उसको तैयार करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व, यानी शायद दसवां या ग्यारहवां जो भी चैप्टर होगा सांस्कृतिक तत्व लिखा होगा उसने परीक्षावाणी में, उसमें आपको दो दिनों में उसको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर कला, नृत्य और मेले वगैरह उसने दिए होंगे। तो फिर से नोट कर लीजिए उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व आपको ये कंप्लीट करना है दो दिनों के अंदर। साथ ही साथ आपको जो मॉडर्न इंडिया है यानी आधुनिक भारत है उसके तहत जो आपके टॉपिक होंगे वो आप लोगों को क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 में, उसके बाद जो उसके प्रमुख अधिवेशन हुए थे यानी जो सालाना अधिवेशन होते थे दिसंबर माह में जो भी हुए वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, और वो कैसे करने हैं इंपोर्टेंट पढ़ने, जैसे किस अधिवेशन में कौन सी घटना घटी उसके आधार पे वो इंपोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, असहयोग आंदोलन किस वाले में पारित किया गया, पूर्ण स्वराज का संकल्प कहाँ पे लिया गया, मौलिक अधिकारों की बात कहाँ पे की गई। तो आपको क्या करना है उसके अंदर की प्रमुख घटना देखनी है, जिस अधिवेशन में मेन चीज प्रस्ताव यानी मुख्य प्रस्ताव पास किया गया होगा उसका आपको क्या करना है, उसके अध्यक्ष को नोट करना है कि उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वो कब हुआ था और उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, मेन करना है, बस इतना आप लोग करना आपका मॉडर्न इंडिया यानी दो दिनों आज और कल ये और सांस्कृतिक तत्व आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आज आपका जो नया जिला आता है वो आता है उत्तरकाशी, ठीक है। हमारा पांचवां जिला जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तरकाशी। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ाना शुरू करूं जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो आप लोग वन लाइनर लिख 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 के क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, आप कहेंगे दो पेज वन लाइनर लिख लिए, तीन पेज लिख लिए, इससे अच्छा आप इस फिगर को बना लो, इसको देखे रहे ना, एक पेज का काम है आपका, कितनी चीजें आपकी इसमें छुपी पड़ी है, ठीक है। जल्दी से आप क्या करेंगे इसको बनाएंगे और बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पोर्शन पे आप क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश यानी उत्तर पश्चिम का जो इलाका है ये हिमाचल प्रदेश से छोटा है, यानी उत्तरकाशी किसके साथ सीमा बनाता है राज्य में, एक तो हिमाचल, अदर स्टेट यानी इंटर स्टेट में किसके साथ बनाएगा, हिमाचल प्रदेश। दूसरे राष्ट्र की जहां बात आती है यानी इंटरनेशनल जो बाउंड्री साझा करता है वो तिब्बत के साथ करता है यानी तिब्बत चाइना, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तरकाशी किस अदर स्टेट के साथ सीमा साझा करेगा आप बताओगे, देखते ही बता देगा हिमाचल प्रदेश। अगर पूछता है किस अंतर्राष्ट्रीय मतलब किस दूसरे देश के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आप बताओगे, तिब्बत या चाइना, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ तक, उसके नीचे आप लिखोगे इधर चमोली, ठीक, यहाँ आपको क्या लिखाना है, चमोली। तो चमोली के साथ सीमा साझा करता है, उसके जस्ट नीचे आपको रुद्रप्रयाग दिखाना है, यहाँ पे आपको टिहरी दिखाना है और यहाँ आपको देहरादून दिखाना है। तो इसकी जो बाउंड्री साझा होती है, एक जो इंटर स्टेट बाउंड्री साझा करेगा वो हिमाचल प्रदेश के साथ करेगा क्योंकि साफ साफ हमें दिख रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाउंड्री साझा होगी वो आपकी तिब्बत या चाइना के साथ होगी। जो अदर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है यानी अदर हमारे जिले हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या देहरादून, तो इन चार जिलों के साथ। तो पहली बार हमेशा की तरह क्या जानते हैं उत्तरकाशी के बारे में, उत्तरकाशी उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में तिब्बत,
पूर्व की ओर चमोली और दक्षिण पूर्व की ओर रुद्रप्रयाग और टिहरी तथा दक्षिण पश्चिम की ओर देहरादून के साथ सीमा साझा करता है। सिर्फ एक इमेजिन किया आपने, एक इमेजिनेशन की और इतनी चीजें आपको सीधे सीधे समझ गए। अब बताओ कभी क्वेश्चन अगर आपके अब जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ा दो, उत्तराखंड की जिला सीरीज ही उत्तराखंड की ज्योग्राफी का आधे से अधिक पोर्शन कवर कर देगी, ठीक है। तो ये देखिए इसकी सीमाएं हैं जो ये साझा करता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, प्रमुख इसके अंदर की चीजें दिखानी है। तो जैसे बड़ासू घाटी सबसे ऊपर आप दिखाएंगे बड़ासू घाटी, यहाँ पे आपको क्या दिखानी है, बड़ासू घाटी दिखानी है। बड़ासू घाटी के जस्ट नीचे आपको हरकीदून दिखाना है, ठीक है। आपसे पूछते हैं हरकीदून कहाँ स्थित है, आप लोग लिखेंगे वन लाइनर, वो यहीं पे हरकीदून उत्तरकाशी में, ठीक। उसके नीचे आपको बंदरपूस पर्वत दिखाना है, पूछता है ना बंदरपूस पर्वत जहाँ पे यमुनोत्री निकलती, यमुनोत्री जहाँ पे से यमुना निकलती यमुनोत्री ही बंदरपूस पर्वत जो कहता है वो यहीं पे है। और बंदरपूस पर्वत के जस्ट आप इस साइड पे क्या दिखाएंगे, यमुनोत्री। और यमुनोत्री के इधर आप दिखाएंगे केदारकांठा, जो केदारकांठा बुग्याल आप कहते हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ लोकेशन देखने के इतने फायदे होते हैं। ये चीजें कहाँ है पूछता है, आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि उत्तरकाशी में है। ये पहले बना के रखने का ये मतलब होता है कि आपके समय की बचत हो, ठीक है। मैं समझाते हुए रहूं, आप फिगर ड्रॉ कर लो, तो इसीलिए मैं इसको पहले बना देता हूं, ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज का पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि वरना ये आधे घंटे का टाइम तो इसी में लग जाएगा। तो देखिए बड़ासू घाटी, हरकीदून, बंदरपूज, यमुनोत्री और केदारकांठा, ये सब ऐसे आपको दिखाना है। इसके जब यमुनोत्री के यार ईस्टर्न पोर्शन पे जाओगे आपको हरसिल दिखाना है, जो हरसिल घाटी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस है हरसिल, यहाँ पे आपकी राजमा वगैरह भी बहुत फेमस है, आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक है, हरसिल जो उत्तरकाशी साइड से है। जब आप इसके डाउनवर्ड आएंगे यानी इससे साउथ की ओर आएंगे, आपको यहाँ पे काणाताल दिखाना है, उसी के जस्ट नीचे आपको डोडीताल दिखाना है। आपसे पूछता है काणाताल कहाँ है उत्तरकाशी, आपसे पूछता है डोडीताल कहाँ है, आप बताते हैं उत्तरकाशी, ठीक। जब आप ये सब दिखाओगे इसके इधर को आप बड़कोट दिखाओगे, बड़कोट उत्तरकाशी में पड़ता है ना, और यहाँ पे आपका उत्तरकाशी जिला मुख्यालय दिखाना है बड़कोट से नीचे। और इधर आपको क्या दिखाना है, मनेरी, मनेरी भारी परियोजना सुना होगा आपने, मनेरी डैम जो कि भागीरथी नदी पे वो यहीं पे है, ठीक है। मनेरी दिखाने की उत्तरकाशी दिखाने के बाद आपको यहाँ पर डुंडा ब्लॉक दिखाना है, ठीक है। जो डुंडा कहते हैं वो यहाँ पे है, डुंडा, डुंडा के नीचे आपको दिखाना है चौरंगी खाल, ठीक। चौरंगी खाल के नीचे आपको यहाँ पे दिखाना है धरानसु, क्या दिखाओगे धरानसु, और यहाँ पे आपको दिखाना है भड़कोट, क्या दिखाओगे भड़कोट। तो देखिए बड़ासू घाटी, हरकीदून, बंदरपूछ, यमुनोत्री, केदारकांठा, हरसिल, काणाताल, डोंडीताल, बड़कोट, उत्तरकाशी, डुंडा, मनेरी, चौरंगी खाल, धरासू, भड़कोट, ये आपकी क्या होगी प्रमुख लोकेशन होगी। इसी के अलावा जो भैरव घाटी है वो इस पोर्शन पे, हरसिल से जब आप ईस्टर्न पोर्शन की ओर जाओगे आपको भैरव घाटी देखने को मिलेगी, और भैरव घाटी के साउथ की ओर जाओगे तो गंगोत्री हिमनद दिखेगा, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है हिमनद है, ठीक है। और गंगोत्री हिमनद से थोड़ा आप ईस्टर्न मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट की ओर जाओगे आपको गोमुख देखने को मिलेगा, जहां से गंगा नदी यानी भागीरथी का उद्गम होता है। इस पोर्शन से आती भागीरथी को जो आप भागीरथी कहते हो, इसी पोर्शन से आते हैं, गोमुख से होते हुए गंगोत्री, भैरव घाटी होते हुए ये काणा और डोडीताल के ईस्टर्न पोर्शन से होते हुए उत्तरकाशी के ईस्टर्न पोर्शन में मदेरी भाली परियोजना बनाते हुए यहाँ से आपका टिहरी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये किसकी है, भागीरथी नदी की लोकेशन है। जबकि जो यमुनोत्री है, यमुना नदी जो निकलती है वो इस पोर्शन से होते हुए यहाँ से देहरादून की ओर एंटर करती है। यहाँ आपको दिखाना है बालचा, यहाँ दिखाना है आपको आराकोट, यहाँ दिखाना है आपको पुरोला, ठीक है। देखिए कितना आसान हो जाती है चीजें जब आप इस प्रकार से दिखाने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब चीजें दिखा दी होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपने ये लोकेशन दिखाई इसका क्या फायदा होगा, कभी कभी आप लोग से पूछते हैं कि तहसीलों का मिलान कीजिए कि ये तहसील कहाँ से है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज फॉलो की है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप तहसीलों में नहीं अटकोगे। लोकेशन दिखाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे टिहरी के अंदर हमने लोकेशन दिखाई, अल्मोड़ा के अंदर हमने लोकेशन दिखाई, देहरादून के अंदर बताई, पौड़ी के अंदर बताई, उत्तरकाशी के अंदर बता दी, तो कोई ना कोई तहसील जब वो मैच करने को आता है ये पूछता है ये तहसील कहाँ है, उसका यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको तहसीलें समझ आ जाएंगी, ठीक। ये सब करने के बाद अब आपका सबसे पहले आता है इसके बारे में, उत्तरकाशी के बारे में, ठीक है। ये है क्या, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है यानी जो पूरा एरिया है जितने में फैला है यह है 80-16, इसका आपको याद होना चाहिए। चमोली और उत्तरकाशी का आपको पता होना चाहिए और जो सबसे कम है उसका भी पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल है 8,016 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना लिखोगे, 8016 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जो आप लोग पूछते हो ना सर उत्तरकाशी है कि चमोली है, इसको गांठ बांध के बांध दीजिए, उत्तरकाशी सेकंड पोजीशन पे आता है, चमोली पहले पे आता है, ये सरकारी आंकड़े भी कहते हैं।
चमोलिका जो है वो 8030 है, ठीक है। चमोलिका कितना है आपको बता दूं, 8030 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो चमोली जो है वो कहें सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, जबकि उत्तरकाशी सेकंड पोजीशन पे आता है 8016 के साथ। तो अब देखिए ये जो उत्तरकाशी है वो सेकंड पोजीशन पे आता है और चमोली किस पे आता है, पहले पे। 8030 चमोली का है, 8016 किसका है, उत्तरकाशी, जो कि सेकंड पोजीशन पे आता है। अब ये जो हमारा उत्तरकाशी है इसके बारे में जो फैक्ट है, अब आपको ये पता चल गया कि उत्तर में किससे घिरा है, पूर्व में किससे घिरा है, दक्षिण में किससे घिरा है, पश्चिम में किससे घिरा है, ये आपको समझ आ गया। उत्तरकाशी जो जिला है ये भागीरथी नदी के तट पे बसा है, यानी पूरा जिला नहीं, जो उत्तरकाशी है भागीरथी नदी के ही तट पे है, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पे है, आप लोग क्या बताओगे, उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पे है। ये उत्तरकाशी को आपका उत्तर की काशी नाम तो लो, उत्तर की काशी भी बोलते हैं, और इसका जो प्राचीन नाम था ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग लिख लीजिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। इसके दो प्राचीन नाम बहुत फेमस है, एक तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है जिसको बाड़ाहाट बोलते हैं, तो इसका जो प्राचीन नाम है एक तो सौम्य काशी, एक है बाड़ाहाट, ठीक है। क्या लिखोगे, सौम्य काशी और दूसरा लिख लोगे आप लोग बाड़ाहाट। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था, आप लोग बता देना कि प्राचीन नाम बाड़ाहाट किसका था, उत्तरकाशी का, और सौम्य काशी भी किसका प्राचीन नाम है, आपका उत्तरकाशी का। जो उत्तरकाशी है यहाँ पे प्रमुख आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, उससे पहले कि मैं दर्रे बताऊं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की जहां तक बात आती है आपको याद नहीं करना, बस आप लोग, मैंने कहा था ना गैप देखना कि कितने का है, सबसे ज्यादा कौन सा अक्षांशीय विस्तार में जिला फैला है और सबसे कम कौन सा फैला है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है उसको लिख लीजिए 30 डिग्री, यानी जो अक्षांश वाला है 30 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। ये जो इसका अक्षांशीय विस्तार, अगर आपसे पूछता है उत्तरकाशी कितने अक्षांशीय विस्तार में है, तो इसका गैप देख लेना आप लोग, तो 30 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका अक्षांशीय विस्तार है, जबकि इसका जो देशांतरी विस्तार है, यानी देशांतर क्या होता है, ये और ये यहां तक कितने में फैला है ये देशांतर, इस साउथ पोर्शन से नॉर्थ पोर्शन की जो बाउंड्री उसको बोलते हैं अक्षांश। तो देशांतर कहां होगा, मैंने बहुत बार बता रखा है 7749 से 7929, ठीक है, 7749 तक, कितने तक, 79 डिग्री 29 मिनट तक, ये आपका क्या है, इसका देशांतरी विस्तार। तो अगर आपसे इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो कितना है, 30 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 79 मिनट से 79 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी इसके पीछे क्या लिखा होगा, दोनों के पीछे पूर्व और उसके पीछे उत्तर। ये तो इसका क्या हो गया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है इसके प्रमुख दर्रे को लेके, अब आता है दर्रे, यानी दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। ये पास होते क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ये पास है ये क्या होता है, क्योंकि ये हिमालयी इलाके हैं, अभी तक आपको उधम सिंह नगर में या हरिद्वार में देहरादून में यहाँ पास देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कहाँ मिलेंगे, जो हिमालयी रीजन होता है जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं। तो क्या बना होता है, जैसे एक पर्वत है, सपोज ये कोई एक पर्वत है, ये एक पर्वत है और इसी के बगल में एक दूसरा पर्वत होगा ऐसे, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस पोर्शन पे जाना है, तो इसके बीचों बीच जो घाटी होती है यानी इस प्रकार का रास्ता होता है, इसी को पास या दर्रा बोला जाता है। तो जो पास या दर्रा होता है वो क्या होता है, दो पर्वतों के बीच का एक संकरा मार्ग जो घाटी के रूप में होता है उसी को पास या दर्रा बोलते हैं, क्योंकि ये हिमालयी रीजन है, ये पूरा ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाले इलाके हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, हिमालय पर्वत की घाटियां मिलेंगी, जहां से एक संकरे मार्ग टाइप के होंगे उसी को क्या बोला जाएगा, दर्रा बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रमुख दर्रे हैं, देखिए साफ साफ क्या लिखा है, श्रीकंठ दर्रा, क्या लिखा है यहाँ पे, साफ दिख रहा है आपको श्रीकंठ दर्रा, यहाँ क्या लिख रहा है आपको, थांगला दर्रा, और इसी थांगले को सयाग लावी कहते हैं, ठीक है, सयाग लावी बोलते हैं। उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, मुली ला, उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे
साग चोकला और यहाँ पर नेलंग घाटी भी है। नेलंग घाटी मैंने दिखाई नहीं है, आपने जहाँ ये गंगोत्री दिखा रखा है इसके जस्ट भैरव घाटी और गंगोत्री के और ये साग चोकला के आपको यहाँ पे, जैसे भैरव घाटी और गंगोत्री में इरेज कर रहा हूँ आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इस पोर्शन पे आपको क्या दिखाना है, नेलंग घाटी दिखाना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे नेलंग घाटी, क्या नेलंग घाटी ये दिखा देना है, यहाँ पे दिखा देना नेलंग घाटी। क्या दिखाओगे, नेलंग घाटी। देखिए तो यहां अगर आपसे पूछता है श्रीकंठ दर्रा, थांगला या श्यागला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, यहाँ पे दिखाओगे नेलंग घाटी, यहाँ दिखाओगे साग चोकला दर्रा और यहाँ दिखाओगे कालिंदी दर्रा, ये आपके यहाँ के प्रमुख क्या है, पास है। अब पेपर में आपसे क्या पूछता है कि कौन सा पास किसको जोड़ता है। आपने जैसे श्रीकंठ दर्रा दिखाया, आपने यहाँ दिखा दिया श्रीकंठ दर्रा, श्रीकंठ दर्रा यहाँ पे दिखा है तो यहाँ कौन सी चीज दिखा रही है आपको, हिमाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे श्रीकंठ दर्रा दिखा रहे हो तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को क्या करता है, जोड़ता है। अगर आपसे ये पूछता है कि श्रीकंठ दर्रा किसको जोड़ता है, आप सीधे सीधे बताओगे उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से। पहला लिख लो श्रीकंठ दर्रा, क्या लिखोगे, श्रीकंठ दर्रा, ये किस किस को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को उत्तरकाशी के साथ, पहला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी। दूसरा आपको दिखाना है थांगला। अब यहाँ पे थांगला है, ये कौन सा पोर्शन है, तिब्बत या चाइना का, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को किससे कौन जोड़ता है, थांगला दर्रा जोड़ता है। सेकंड लिख लीजिए आप श्रीकंठ के बाद थांगला लिख लेना, ठीक, क्या लिखोगे, थांगला, और इसी थांगला को क्या लिखा है मैंने, संज्ञातला, ठीक है, ये देखना संज्ञातला इसी को बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, ये थांगला है, यहाँ कौन सा है, तिब्बत है, यहाँ उत्तरकाशी, तो इसको किससे किसको जोड़ता है पूछता है, आप बताओगे उत्तरकाशी को तिब्बत से, इसका आंसर लिखोगे उत्तरकाशी को तिब्बत से। तीसरा आपको दिखेगा मुलिंगला, यहाँ पे कौन सा है, मुलिंग, तो ये मुलिंग यहाँ पे उत्तरकाशी हो गया, यहाँ क्या हो गया, तिब्बत हो गया, तो मुलिंगला किसको दिखोगे, वही उत्तरकाशी को तिब्बत को, मुलिंगला, मुलिंगला किसको लिखोगे, उत्तरकाशी और तिब्बत को। यहाँ पे आपको दिखाना नेलंग दर्रा या नेलंग घाटी, ये जो पोर्शन है ये आपका नेलंग घाटी, तो नेलंग घाटी या नेलंग दर्रा पूछता है, ये भी किसको दिखाओगे, उत्तरकाशी को तिब्बत से, क्योंकि ये पूरा पोर्शन तिब्बत का है, ठीक है। तो नेलंगला भी किसको दिखाओगे, सेम करोगे, नेलंग घाटी या नेलंगला, ये किसको दिखाओगे आप, उत्तरकाशी को तिब्बत से। उसके नीचे आ जाओ साग चोकला, क्या दिखाओगे, साग चोकला, तो जो साग चोकला है ये कौन सा है, उत्तरकाशी, यहाँ फिर से कहें तिब्बत है, तो साग चोकला भी किसको है, उत्तरकाशी को तिब्बत से हो गया, ठीक है। साग चोकला भी किसको दिखा दोगे, उत्तरकाशी और तिब्बत को, साग चोकला ये भी किसको हो गया, उत्तरकाशी और तिब्बत। और लास्ट नीचे आओगे कालिंदी दर्रा, अब तिब्बत का पोर्शन गया, यहाँ आ गया आपका चमोली का, तो कालिंदी दर्रा पूछता है तो उत्तरकाशी को चमोली से, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो कालिंदी किसको लिखोगे, उत्तरकाशी व चमोली के बीच, कालिंदी किसको लिखोगे, उत्तरकाशी प्लस चमोली के बीच, ये आपका क्या हो गया, दर्रे हो गए। तो बताओ श्रीकंठ दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंग घाटी, साग चोकला और कालिंदी। अब आपको लोकेशन पता है तो आपको उसको दिखाने में कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के क्या हो गए, प्रमुख दर्रे हो गए। अब यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको भागीरथी मिलेगी और उसकी सहायक नदी मिलेगी इस पोर्शन पे, कैसे, यहाँ गोमुख, गंगोत्री, हरसिंध और यहाँ पे जो पूरा है कानाताल, डोडीताल के ईस्टर्न पोर्शन से उत्तरकाशी, मनेरी, ये सब होते हुए धराशु से होते टिहरी की हो जाएगी, इस पोर्शन पे आपको यमुनोत्री दिखेगी। तो अगला लिख लीजिए हेडिंग भागीरथी नदी तंत्र, इसकी पूरा नहीं बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट चीज मैप में दिखाऊंगा वो आप लोग देख लीजिए, भागीरथी नदी तंत्र, ठीक। देखिए को क्या करना है, भागीरथी नदी तंत्र के सामने कुछ चीजें आपको दिखेंगी, उसको फॉलो करते हो वो आपको दिखानी है, ठीक है। कैसे दिखाओगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, गोमुख दिखाना है, क्या दिखाओगे, इधर गोमुख दिखाओगे, ठीक, यहाँ लिख लीजिए गोमुख, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे ही गोमुख से भागीरथी निकलती है, भागीरथी कहाँ की ओर जाएगी, गंगोत्री की ओर जाएगी, तो गोमुख निकला इधर की ओर गई, यहाँ पे आप दिखा दो गंगोत्री, क्या दिखाओगे, गंगोत्री हिमनद। अब इस गंगोत्री हिमनद से जाने से पहले भागीरथी नदी के साथ गोमुख के पास ही कौन सी नदी मिल जाती है, रुद्रगंगा मिल जाती है, ठीक है। यहीं यहाँ पे दिखा दो आप रुद्रगंगा, क्या दिखाओगे, यहाँ पे रुद्रगंगा, और ये रुद्रगंगा जैसी मिलेगी आगे जाके आपको यहाँ पे केदार गंगा दिखा दीजिए, गोमुख के ये गंगोत्री के पास केदार गंगा दिखा देना आपको, ठीक। जैसे ही आपको गोमुख से निकली गंगोत्री की ओर गई तो रुद्रगंगा और केदार गंगा इससे मिल जाती है। आगे जब ये बहती है ये भैरव घाटी की ओर जाती है, आप अपने मैप में फॉलो करना, ठीक है। ऐसे गई, यहाँ पे लिख लीजिए आप भैरव घाटी, क्या लिखोगे, भैरव
घाटी आप अपने मैप में दिखाओगे, ठीक है, जो लोकेशन है इसको दिखाओगे, यहाँ आप क्या दिखा दोगे, भैरव घाटी। भैरव घाटी जैसे ये पहुंची, इसी के पास इसके साथ एक जाड़ गंगा या जहानवी मिल जाती है, तो इस पोर्शन से इसको क्या मिल जाएगी, जाड़ गंगा या जहानवी, जाड़ गंगा, इसी को बोलते हैं जहानवी। भैरव घाटी के पास ही मिलती है, भैरव घाटी के पास कोई लोकेशन होगी पर्टिकुलर, वहां पे इसके साथ जाड़ गंगा मिल जाती है। जब ये जाड़ गंगा मिलती है, भागीरथी नदी आगे की ओर बहने लगती है, हरसिल की ओर, किसकी ओर, हरसिल घाटी की ओर, और हरसिल के पास एक झाला नाम की जगह है, वहां पे से सिया गंगा मिलती है। तो आप भैरव घाटी से आगे दिखाइए, ऐसे हरसिल लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखाओगे, हरसिल। इस हरसिल नाम की जगह पे यहीं कहीं से इसके साथ एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है आपका सिया गंगा। क्या लिखोगे इसको, सिया गंगा, सिया गंगा किसके साथ मिल जाती है, आपकी भागीरथी नदी के साथ यहाँ पे सिया गंगा मिल जाते हैं झाला नाम की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे हरसिल के साथ बगल में झाला लिख दो, यहाँ पे झाला, यहाँ पे कौन सी मिल जाती है, सिया गंगा इसके साथ मिल जाती है। अब ये नदी क्या करने लगती है, आगे की ओर बहने लगती है, तो उसके बाद इसके साथ जो नदी मिलती है उसका नाम है असीम गंगा, और असीम गंगा को मिलने के बाद बहुत सी छोटी मोटी नदियां इसके साथ मिलती है। अब हमने उतना नहीं देखना है, जब ये नीचे की ओर बहती है साउथ की ओर, तो यहाँ पे मनेरी भाली परियोजना बनाती है भागीरथी नदी पे, और उत्तरकाशी होते हुए नीचे आपका टेहरी की ओर चले जाती है, ठीक है। तो आप क्या दिखाओगे इसको, ऐसे दिखाओगे इधर को, यहां से कौन सी दिखा दोगे, असीम गंगा, क्या दिखाओगे, असीम गंगा, ठीक है। असीम गंगा दिखाने के बाद जब ये इस प्रकार से बहते, यहां पे आप दिखा दो मनेरी भाली परियोजना, मनेरी सब भागीरथी है, ठीक है, मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना आपको ऐसे दिखाना है, यानी आप देखिए गोमुख से निकले रुद्रगंगा, केदारगंगा, गंगोत्री होते हुए भैरव घाटी होते हुए जाड़ गंगा, जाह्नवी मिली, और हरसिल के पास झाला में सिया गंगा, फिर असीम गंगा मिलते हुए ये बहती है मनेरी भाली परियोजना बनाते हुए उत्तरकाशी होते हुए, फिर यहाँ से क्या जाएगी, ऐसे उत्तरकाशी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो जिला मुख्यालय है, यहाँ से बहते हुए इस ओर से टिहरी की ओर, यहाँ दिखा दीजिए टिहरी, बाकी हमने आगे को फॉलो किया था उसको, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका क्या चलता है, भागीरथी नदी तंत्र चलता है, यानी गोमुख से निकलते हुए गंगोत्री, भैरव घाटी, हरसिल होते हुए आपका मनेरी भाली परियोजना बनाते हुए, बीच में बहुत सी जगह है, उतना हमने नहीं पढ़ना है। अब देखिए जब आपने ये दिखाया, आपको क्या करना है, अब आप जैसे आपने ये दिखा दिया, इसके जड़ में लिखोगे, आप नीचे लिखोगे इसमें कौन कौन सी प्रमुख चीजें पड़ती हैं, वो हमें दिखाना है, ठीक है। अब मैं बोर्ड में इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, आप पहले हम भैरव घाटी तक का इलाके में दिखाएंगे कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं। गंगोत्री के पास ही इसमें एक कुंड पड़ता है जिसका नाम है सूर्य कुंड, और उसी सूर्य कुंड के पास में यहाँ पे एक पांडव गुफा पड़ती है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड पड़ता है इसी गंगोत्री के पास यहाँ पे कहीं, ठीक। और इस सूर्य कुंड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बगल में आओगे तो पांडव गुफा पड़ेगी। क्या पड़ेगी, पांडव गुफा, ये कहाँ है, क्या है पूछता है, अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक। और ये समथिंग 5000 साल पुरानी गुफा है पांडव गुफा, सूर्य कुंड आए पांडव गुफा। जब आप भैरव घाटी पहुंचने वाले होते हैं, इसी भैरव घाटी के पास एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है भैरवनाथ मंदिर, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ता है इसका, भैरवनाथ मंदिर, ये सब नदी तंत्र के पास है, भैरवनाथ मंदिर, ये सब किसका हिस्सा है, भागीरथी नदी तंत्र के हिस्सा है, मतलब वही उसी के आसपास पड़ते हैं। भैरवनाथ मंदिर को जैसे क्रॉस करोगे तो आपको दो तीन और मंदिर मिलेंगे, एक चांदी देवी का मंदिर मिलेगा, एक मार्कंडेय मंदिर मिलेगा, एक कल्प केदार मिलेगा, तो तीन मंदिर और दिखा दीजिए, इसी भैरव घाटी और हरसिल के बीच है, ठीक है। एक चांदी देवी का लिख लीजिए, चांदी देवी, चांदी देवी मंदिर, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक। देखिए चांदी देवी मंदिर के बाद जब आप आगे की ओर बढ़ोगे आपको मिलेगा मार्कंडेय मंदिर, ये बहुत फेमस है, ये क्यों फेमस है इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक। मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर के जस्ट आगे आओगे आपको दिखेगा उसी के आसपास कल्प केदार मंदिर, कल्प केदार। अब देख लीजिए अगर ऐसे पढ़ोगे आपको कहीं भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है, मार्कंडेय मंदिर, कल्प केदार मंदिर, उसके बाद आएगा आपको तपोवनी माता आश्रम, तपोवनी माता आश्रम उसके बाद दिखाना है, और फिर दिखाना है भिंगा देवता, क्या दिखाना है, तपोवनी माता आश्रम, तपोवनी माता आश्रम, तपोवनी माता आश्रम दिखा दो उसके पास, उसके बाद दिखाना आपको भिंदा देवता मंदिर, भिंदा देवता
मंदिर, भिंडा देवता मंदिर आप लोगों ने दिखा लिया होगा। जैसे ही भिंडा देवता मंदिर पहुंचोगे उसके बाद एक वाटरफॉल आता है जिसका नाम है मंदाकिनी वाटरफॉल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है आपसे। मंदाकिनी वाटरफॉल लिख लीजिए, मंदाकिनी वाटरफॉल क्या दिखाओगे? मंदाकिनी वाटरफॉल दिखा दोगे। मंदाकिनी वाटरफॉल के बाद जब आप डाउन की ओर आओगे आपको एक सुखी टॉप दिखेगा जो सिया गंगा के बाद दिखाना है आपको। जहां पे आपने सिया गंगा दिखाई थी उसी के बाद आपको क्या दिखाना है? सुखी टॉप। ये सिया गंगा से पहले है। मंदाकिनी वाटरफॉल तक का जो इलाका पड़ेगा वो आपको कहाँ पे दिखाना है, एग्जैक्ट लोकेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। जो ये मंदाकिनी वाटरफॉल तक का इलाका है आपको ये कहाँ पे दिखाना है? हरसिल के पहले पहले, भैरव घाटी और हरसिल के बीच में आपने ये सब चीजें दिखानी है। जैसे ही आप हरसिल पहुंच जाओगे, हरसिल के बाद आपको आगे जाके असीम गंगा मिलती है, तो उससे पहले पहले आपको क्या दिखाना है? सुखी टॉप दिखाना है सिया गंगा के बाद। ठीक है, सुखी टॉप दिखा दीजिए। सुखी टॉप जैसे ही सुखी टॉप दिखाई, फिर आप आगे को बढ़ोगे, आपको एक बहुत फेमस मंदिर मिलेगा जिसको पूछा जाता है, उसको बोलते हैं लोहारी नाग मंदिर। ये बहुत नीचे पड़ता है, ये मनेरी भारी परियोजना से पहले पहले पड़ेगा। मतलब पहले क्या मतलब, बहुत पहले पड़ेगा, उतना संभव नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट दिखाई जाए। तो आप दिखा दीजिए लोहारी नाग मंदिर, और उसके बाद दिखाना है पराशर मुनि मंदिर व आश्रम। ठीक, लोहारी नाग मंदिर दिखा दीजिए, लोहारी नाग मंदिर। अब इनकी लोकेशन जो होगी, इसको जो एग्जैक्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सूर्यकुंड, पांडव गुफा, भैरवनाथ मंदिर, चांदी देवी देवी मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, कल्प केदार, तपोनी माता आश्रम, भिंडा देवता मंदिर, मंदाकिनी वाटरफॉल, सुखी टॉप, लोहारी नाग मंदिर। इतना जब आपने ये भागीरथी नदी के तट तट पे दिखाया होगा, जब इसके आगे को बढ़ोगे पराशर मुनि आश्रम या पराशर मुनि मंदिर कर देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एरो लगाओगे आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिखूंगा, आप नेक्स्ट एरो लगाओगे उसी को आगे ऐसे। ठीक, यहाँ पे लिखोगे पराशर मुनि आश्रम ऑब्लिक मंदिर, आश्रम ऑब्लिक मंदिर, ऐसे आप लोगों को उसको शो करना है अपने मैप में। जब आप पहुंचोगे उसके बाद सीधे आपको नीचे जहां पे मैंने दिखा था वहां पे लिखोगे मनेरी भाली परियोजना। क्या लिखोगे? मनेरी परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, ये आपको शो करना है। और मनेरी भाली परियोजना के अंतिम में उसके बाद आपको भागीरथी नदी के तट पे है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से एक जस्ट पहले पड़ता है, उसका बोलता है खेड़ी वाटरफॉल। और लास्ट आप लोग लिख लीजिए खेड़ी वाटरफॉल। क्या लिखोगे? खेड़ी वाटरफॉल। ये सब के सब कहाँ है? उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के ही आसपास के इलाके में पड़ते हैं, खेड़ी वाटरफॉल। और उसके बाद उत्तरकाशी के नीचे की ओर जाते हुए वो तो लोकेशन हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? पराशर मुनि आश्रम मंदिर, मनेरी भाली परियोजना, खेड़ी वाटरफॉल, उत्तरकाशी वगैरह होते हुए फिर नदी जो चली जाती है वो कहाँ चली जाएगी? टेहरी में। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, आप लोगों ने जो लोकेशन दिखाई, अब आपको क्या करना है, देखिए इतना जो आपने दिखाया होगा आप एक अलग से डायग्राम बना दीजिए, मेरी मानते तो एक अलग बना दीजिए, उसमें उसमें नदियां मत दिखाना, ऐसे यूं दिखा देना भागीरथी नदी, ऐसे दिखा देना और ऐसे होते हुए उत्तरकाशी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना मलेरी भाली, यहाँ कहीं लिख देना भैरव घाटी, यहाँ लिख देना हरसिल, और आप यहाँ से गंगोत्री गोमुख, यहाँ गंगोत्री गोमुख। अब यहाँ क्या करोगे? सूर्यकुंड, पांडव गुफा, ऐसे दिखा देना। और यहाँ पे जो आपको बीच की चीजें बताई थी, चाहे मार्कंडेय मंदिर हो गया, मंदाकिनी वाटरफॉल हो गया, सब आपको दिखाना है। आगे जाके मनेरी भाली नीचे होते हुए उत्तरकाशी आपको दिखाना है। ये चीजें आपको ऐसे ही पढ़नी है और ऐसे ही इसको कवर करना है। इससे आगे क्या था, कैसे होगा, उत्तरकाशी को कैसे कवर करते हैं, उसको देखिए, बहुत मजा आएगा। अब ये मत सोचना सर आज आपने इतना कम लिखा है, कम नहीं है, आप लोग इसी चीज को एक एक लाइन में लिखोगे, चार पेज बना दोगे। मुझे पता है जो मैंने इतना मैप दिखा के कर रखा है वो आप उसको एक एक लाइन लिखते हैं और चार चार पेज बना देते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन छाड़ दिए। इससे बेहतर होगा अपनी आंखों को और बुद्धि को दोनों खोले रहो और उस मैप को देखो जिसके माध्यम से आपके दिमाग में चीजें छप जाती हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके समझ आया होगा, कोशिश करना समझने की। एक बार आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आज भागीरथी नदी को एक बार मैप में सर्च करना, गूगल मैप सबके फोन में होता है, भागीरथी नदी सर्च करना, उसको फॉलो करना, कई चीजें आपके समझ आ जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए और रिवाइज कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।